नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एमपी में आज मोदी सरकार की महंगाई और नीति के खिलाफ कांग्रेस धरना देगी, जिसके तहत सभी कांग्रेसी नेता अपने घर के बाहर बैठकर धरना देंगे। दिल्ली सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत आज विश्व पर्यावरण दिवस से होगी। आज 5 और 6 जून को यूपी समेत 6 राज्यों के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी संघ जेपी नड्डा समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें यह तय किया जाएगा कि विधानसभा चुनाव की आगे की रणनीति क्या हो। आज तमिलनाडु और कर्नाटक पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम हवाओं के मजबूत होने के चलते अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। आज हरियाणा के बहादुरगढ़ में एसडीएम कार्यालय पर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे किसान आंदोलनकारी, साथ ही भाजपा विधायकों व अन्य नेताओं के दफ्तरों के समक्ष 3 कृषि कानून की प्रतियां भी जलाएंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत SFD गतिविधि के माध्यम से पूरे प्रांत में आज 5 से 10 जून तक पौधारोपण अभियान चलाने वाली है, जिसका नाम प्लांटेशन फॉर ऑक्सीजन रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें 12वीं के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने कहा है कि आज पर्यावरण दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा चलाएगी वृक्षारोपण अभियान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 5 जून को पार्टी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक कोलकाता में बुलाई है। राजनीतिक हलकों में बस इतनी सी चर्चा है कि ममता बनर्जी की बैठक में रंजन सरकार बचेंगे या नपेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 दुनिया भर में पारितंत्र और प्रकृति संरक्षण की थीम के साथ मनाया जा रहा है। पुनर्कल्पना, पुनरुत्थान और संरक्षण, यह पर्यावरण दिवस मनाने का नारा है। इस थीम में योगदान देते हुए फिल्म प्रभाग 5 जून और 6 जून को प्राकृतिक संघ पर्यावरण पर फिल्मोत्सव की ई स्क्रीनिंग के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। बैंक होलीडे की वजह से लेट नहीं होगी सैलरी या EMI, RBI ने किया ऑटोमेटिक पेमेंट सुविधा में बदलाव। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन महंगा है, आयुष्मान भारत के दायरे में भी नहीं है, इसलिए निशुल्क इंजेक्शन उपलब्ध कराए केंद्र सरकार। यूपी में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1175 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 136 लोगों की जान गई। लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय में चल रही पर्यावरण की पाठशाला, आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर होगी वेबिनार। पटना शहर के बीचों बीच बनेगी सुरंग, यह सुरंग बेली रोड के नीचे से गुजरते हुए बनेगी। CM नीतीश कुमार ने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने पर बल दिया है। 15वीं वित्त आयोग की राशि खर्च करने में फंसे बिहार के 20 मुखिया व सचिव, मन मुताबिक धरल्ले से उड़ाए सरकारी रुपए। दिल्ली में आज 5 जून से बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा मुफ्त राशन। कोरोना के तीसरे लहर के बहाने ही सही, दिल्ली सहित पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ऐतिहासिक सुधार हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक लगातार बारिश, आंधी और तूफान चलने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज होने वाले किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कोई आपत्ति नहीं है, पर कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तराखंड सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में परिवहन व्यवसायी 7 जून से करेंगे आंदोलन। झारखंड सेल के कर्मचारियों को जुलाई महीने से 1.9% वेतन वृद्धि के साथ मिलेंगे, वहीं पेंशनरों को भी होगा लाभ। टीवी चैनल में बहस के दौरान गाली गलौज करने पर अब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने FIR दर्ज करवाई है। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 12,240 इंजेक्शन पहुंचे दिल्ली से इंदौर। हिमाचल प्रदेश में 50% सीटों के साथ 7 जून से बहाल होंगे परिवहन सेवा।
थल सेना अध्यक्ष M.M. नरवणे ने कहा है कि सीमा पर पाकिस्तान में आज भी आतंकी ढांचा पहले की तरह बरकरार है। नरमी के मूड में नहीं है केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल के पूर्व सेक्रेटरी अल्पान बांधोपाध्याय के जवाब पर आगे की कार्रवाई जल्द तय की जाएगी। पुरी के जगन्नाथ भगवान की देव स्नान पूर्णिमा 24 जून को है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही है। पता चलते ही रेस्क्यू टीम कार्रवाई में जुट गई। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के विभिन्न अस्पतालों में 9 ऑक्सीजन प्लांटों का किया उद्घाटन। ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराने के लिए NGO को धन्यवाद दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की मांग। इसराइल की रिसर्च करने वाली बार इलान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि SIRT1 नाम के प्रोटीन से इंसान का जीवन 120 साल तक बढ़ाया जा सकता है। DRDO के विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए आज है अंतिम तारीख। उम्मीदवार DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुनील गावस्कर ने बताया कि 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड इस बार भारत को नहीं हरा पाएगा। अब भाभी जी घर पर हैं कि सौम्या टंडन पर फेक ID बनवाकर वैक्सीन लगवाने का आरोप है। जांच कमेटी ने FIR दर्ज कर जांच की सिफारिश की है। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।